हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा, तो आइए स्टार्ट करते हैं कढ़ी बनाना। सबसे पहले पकौड़े बनाएंगे। इसके लिए एक बोल में एक कप बेसन छानेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/8 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 बारीक कटा प्याज, 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा और 1/2 टेबलस्पून ऑयल। अब इसे एक बार विस्क कर लेंगे। अब इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और पकौड़े का घोल रेडी कर लेंगे। मुझे इसमें अप्रॉक्स 125 ml पानी लगा है। साथ में थोड़ा बारीक कटा धनिया पत्ता भी ऐड कर लेंगे। अब इसके छोटे छोटे पकौड़े बना लेंगे। तो सारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब एक बोल में ऐड करेंगे 3/4 कप दही, 2 टेबलस्पून बेसन, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 कप पानी, और इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे टोटल 6 कप पानी और एक बार विस्क करके साइड में रखेंगे। तो अब इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और गर्म होने पर ऐड करेंगे चुटकी भर हींग, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 15 से 20 कड़ी पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून बारीक कटा लहसुन, 1 बारीक कटा प्याज और 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसे मिक्स कर लेंगे और प्याज गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गुलाबी हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे दही वाला घोल जो मिक्स करके रखा था, और इसे एक बॉईल आने तक पकाएंगे और इसे साथ साथ स्टर करते रहेंगे। एक बॉईल आ चुका है। अब फ्लेम को लो करके इसे 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून चीनी। अब इसमें ऐड करेंगे पकौड़े। बारीक कटा हरा धनिया और इसे और 2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब कढ़ी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसका तड़का रेडी करेंगे। तड़के के लिए पैन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून घी, चुटकी भर हींग, 2 सूखी लाल मिर्च और 10 से 12 कड़ी पत्ते। तड़का रेडी है। अब इसे कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ हमारी पंजाबी कढ़ी पकौड़ा रेडी है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।